उन्होंने बोला है फोटो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना नहीं होगा। ये देखिए जरा यहाँ सेटिंग बड़ी जबरदस्त कर रही है, देखो ये खुल गया दरवाजा। वहाँ पे हमारी गाड़ी खराब हो गई है, स्प्रिंग टूट गया है, पता नहीं क्या होता है, भगवान जाने। लेट्स सी। थैंक्स दावा। हे गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। सो आज मैं थोड़ा सा लेट उठा और कल हमने जो किया था यहाँ से लोकल साइट सीइंग गैंगटॉक की। तो गाइस मैं फ्रेशन अप होके रेडी हो गया एकदम, टैक्सी स्टैंड आया था थोड़ा पता करने के लिए कि क्या सीन रहता है। तो अभी मैंने दोबारा कल भी पूछा था, आज भी क्रॉस वेरीफाई किया है कि अगर आप लोग यहाँ से लाचेन का टूर कर रहे हो, गुरुदुर्माग लेक जाना है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट आ जाओ। यहाँ से 3500 रुपीज़ लगते हैं, जिसमें आपका रहना खाना पीना इंक्लूडेड रहता है, 2 नाइट 3 डेज़ का, जिसमें थर्ड डे वो सीधे यहाँ गैंगटॉक ले आते। बट ये है कि अगर किसी के थ्रू बुक कराओगे तो आपका जो परमिट वगैरह होगा और वो सारी चीज़ें होंगी, कोऑर्डिनेशन वाली चीज़ें, वो सारी सॉर्ट आउट हो जाएंगी, ये एक बेनिफिट रहता है। सो गाइस मैं आ गया हूँ अपने होटल के रेस्टोरेंट में। अभी फिलहाल मैंने यहाँ पे ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर दिया, बिकॉज लंबी जर्नी है, पता नहीं कब कहाँ रुकेंगे, तो सोच रहा हूँ कि कुछ खा पी के निकलता हूँ। और साथ साथ मैं जिनके थ्रू मैंने बुक किया था, जैक्सन भाई के थ्रू, उनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इनके थ्रू बुक करा सकते हैं, काफ़ी जेन्युइन रेट देते हैं। और बाकी अगर आपको सोलो आना है, खुद से आना है, तो मैंने आपको तरीका बता दिया, आपको सिर्फ टैक्सी स्टैंड आना है। बट जैसा कि उन्होंने एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि वो बता रहे थे ना कि अगर आपको बुकिंग करानी है तो आपको एक दिन पहले बताना पड़ेगा, ताकि परमिट वगैरह वो सारी चीज़ें प्रिपेयर कर लें। सो गाइस मैंने यहाँ से चेकआउट कर लिया है, होटल का नाम है सोनम जिंग और ये भैया आपको मिलेंगे यहाँ पे, काफ़ी सही रेट लगा दिया था इन्होंने। आप आओ तो आप भी यहाँ रुक सकते हो, बिल्कुल टैक्सी स्टैंड के बगल में है। तो फिलहाल मैं यहाँ से निकल के जाऊँगा टैक्सी पकड़ने के लिए, भैया का भी कॉल आ रहा है। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी आप ट्रैवल करें यहाँ पे, तो गर्म पानी ज़रूर रखवा लें, मैंने भी गर्म पानी की बोतल रखी है, और प्लस गर्म पानी की बोतल ले तो हमेशा घर से लेकर आएँ, प्लास्टिक की बोतल यूज़ एंड थ्रो वाली मत लेना और ना ही फेंकना। अभी फिलहाल मैं टैक्सी स्टैंड पर पहुँच गया हूँ, टैक्सी स्टैंड के बगल में मेरा होटल था, यहाँ पर वेट कर रहा हूँ जैक्सन भाई का, देखते कितनी देर में पहुँचते हैं। तो गाइस अभी सीन ही हो गया कि फ़ोटो की ज़रूरत पड़ेगी, कल जो पास बना था, परमिट जो बना था, उसमें फ़ोटो के बिना भी काम चल गया था, मुझे लगा आज भी हो जाएगा, बट उन्होंने बोला है फ़ोटो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना नहीं होगा। तो अभी मैं फ़ोटो की दुकान ढूंढ रहा हूँ, यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो खिंचानी है, 2 एटलीस्ट चाहिए, तो आप लोग ज़रूर कैरी कर लेना। अब पता नहीं 11 बज गया है, लेट्स सी, चलो मैं ढूंढ लेता हूँ दुकान पहले। तो गाइस खुशखबरी है कि जो टैक्सी स्टैंड है ना, उसके दोनों साइड थोड़ा 100 मीटर नीचे और 100 मीटर ऊपर, 100-150 मीटर होगा, दो शॉप है। तो ऊपर तो हो नहीं पाया था, तो नीचे की साइड आया हूँ, एमजी मार्केट साइड, यहाँ पे कलेक्शन करके शॉप है। तो यहाँ पे व्हाट्सएप में कोई भी फोटो भेज दो तो तुरंत प्रिंट आउट निकाल देते हैं, बहुत ही चीप है, 30 रुपये में 4 कॉपी निकाल देते हैं। तो अगर आप लोग प्लान कर रहे हो तो पहले ही प्रिपेयर करके रखना, लास्ट मोमेंट में मत करना। तो चलिए फटाफट मैं फोटोज ले लेता हूँ और फटाफट परमिट बनवा लेता हूँ। सो गाइस फोटोज लेने के बाद मैं आ गया हूँ अपनी टैक्सी स्टैंड पे, ये लगी है मेरी गाड़ी, इधर बुलेरो लगी हुई है, तो ड्राइवर का वेट कर रहा हूँ। अभी तकरीबन 11:30 हो चुके हैं। नाम क्या आपका? रवि। और आपका? शॉल। कहाँ से हो? वेस्ट बंगाल से, कोलकाता। मालदा। बहुत बढ़िया। आप कहाँ से हो? उड़ीसा से। तो भाई लोग ये आज की हमारी पूरी ग्रुप। तो गाइस टैक्सी स्टैंड से तकरीबन 30 किलोमीटर के बाद एक वाटरफॉल पड़ता है, बटरफ्लाई वाटरफॉल, जो कि यहाँ पे फेमस है, बहुत सारे लोग यहाँ पे रुक के फोटोग्राफी वगैरह करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे रुका हुआ है, तो टैक्सी वाले ने बोला कि 5 मिनट तक फोटोग्राफी वगैरह कर लो, तो बस यही है, छोटा सा वाटरफॉल है, कुछ खास तो ऐसा लगा नहीं मुझे। यहाँ से मेन रोड से आप थोड़ा सा नीचे आ सकते हो, थोड़ा सा स्लिपरी है, तो आप थोड़ा सा केयरफुल रहना। तो अभी क्योंकि भाई लोकल ने भी बताया मुझे कि जस्ट बी केयरफुल अबाउट इट। तो गाइस थोड़ी बहुत वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करने के बाद वापस जा रहा हूँ मैं टैक्सी की ओर। एज ऑलवेज फोटोज वगैरह देखने के लिए इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना यार, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहाँ पे फ्लैश भी रहेगा। प्लस एक चीज़ और बतानी थी, चलो मैं बाद में बताता हूँ आपको। अभी श्रीलंका भाई चलें फिर? चलिए फिर। ये देखिए जरा यहाँ सेटिंग बड़ी जबरदस्त कर रही है, देखो ये खुल गया दरवाजा और ये गुज्जा हो रहा है। तो भाई साहब आपका नाम क्या है? भीम छेत्री। तो दोस्तों ये हमारे पायलट हैं आज के, भैया बड़े अच्छे से गाड़ी चला रहे हैं, बड़े खूब सारा घुमाना हमको आज। ठीक है ठीक है, बढ़िया से फॉल्स दिखा के आप लोगों को लाचुंग में जाकर रुका देंगे। ठीक है, थैंक यू। तकरीबन 50 किलोमीटर हम लोग चल गए हैं और दिक्षु करके एक जगह है जहाँ पे हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है, और मतलब गाड़ी ख़राब हो गई है और पता नहीं कितना टाइम लगने वाला, हमें नहीं पता। ड्राइवर साहब बोल रहे हैं कि करीबन आधा घंटा लगेगा, यहाँ पे भी लेट हो गई।
मतलब आज ना सुबह से ही कुछ ना कुछ हो जा रहा है, और बहुत बड़ा एक स्कैम बोलो या कट गया बोलो वो भी मेरे साथ हुआ है। तो उसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि अलग से वीडियो बनाऊँ आप लोगों को बताने के लिए, प्रॉपर गाइड करने के लिए, जो मिस्टेक्स मेरे से हुई वो आप ना करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल अभी आधा घंटा यहाँ वेट करना, देखते हैं क्या कर सकते हैं। यहाँ पे आसपास में एक रिवर है, वहाँ अगर जाना हो पाता है जाना हो पाता है। तो बस यहाँ पर एक रेस्टोरेंट भी है, तो ये वर्कशॉप टाइप की है, पता नहीं क्या होता है, भगवान जाने। लेट्स सी, क्या कितना टाइम लगेगा अभी? आधा घंटा। क्या खराबी, टायर पंचर हो गया क्या? स्प्रिंग टूट गया है, लोड हो गया। ओहो, यहाँ पे मेरे कुछ नए दोस्त बने, तो ये भाई कहाँ से? गोवा से। और ये भाई से आप मिल गए हैं पहले एक बार? जी, मैं असम से हूँ। असम से, और इनका यूट्यूब चैनल भी है, क्या नाम है आपका? इकबाल अहमद। इकबाल अहमद, तो ये भाई लोग अभी यहाँ दूसरी बार आ रहे हैं, मतलब मैं अभी बात कर रहा था इनसे, मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ, दूसरी बार आया, सोचो कितना सुंदर होगा कि लोग दो दो बार यहाँ पर आ रहे हैं। फर्स्ट टाइम आप गुरुदुर्मा के लिए? नहीं, गुरुदुर्मा नहीं जा पाए थे, वहाँ पर ज़्यादा हाई अप्रैल महीने के टाइम पे गए थे। अच्छा, तो बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होने की वजह से हम लोग वहाँ पर जा नहीं पाए, वहाँ पर रोक दिया गया। अच्छा, वापस हम लोग आ गए, इस बार फिर से ट्राई कर रहे हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए। चलो बढ़िया, सो गाइस यही है, बस ट्रैवलिंग में ऐसे होता है कि दोस्त बनते रहते हैं, है ना। और बाकी अभी हम यहाँ फंस गए हैं, जैसे कि मैंने बताया, मतलब पता नहीं क्या हो गया गाड़ी में, आधे घंटे से वेट कर रहे हैं, बोल रहे हैं गाड़ी का स्प्रिंग टूट गया, अब वो पता नहीं क्या टूटा है, उसने तो हमें स्प्रिंग बताया है ना। सो लामू लेक से निकलता है तिस्ता। हाँ, तिस्ता नदी मार्ग से वो आगे है, और वहाँ से आते आते पूरा एकदम सिलीगुड़ी तक कनेक्ट हो जाता है, ठंडा पानी और बहुत सारा चीज कनेक्ट हो जाता है, कनेक्ट होता है ना, इसलिए पानी इतना है, नहीं तो ऊपर से जहाँ से निकला है बहुत कम निकलता होगा। लेकिन पानी का कलर देखा ना, जैसे ग्रीन था, ग्रीन बड़ा अच्छा अलग सा ही लग रहा है बिल्कुल। भैया कितना टाइम लगेगा अभी? और हो गया, भैया क्या नाम है इस मछली का? सिगरा, सिधरा। तो ये इतनी महंगी क्यों है? बाय द वे 600 रुपए किलो मछली है जो ये दिख रही है आपको, ये इतनी महंगी क्यों है अंकल? अच्छा दूर से आता है। अच्छा, ये यहाँ से नहीं निकाला आपने नदी से? अच्छा, देहरादून से। अच्छा जी, मतलब हमारे वहाँ से आता है, हम देहरादून से तो आया है, उत्तराखंड से आया है अपन। ये और ये क्या, ये भी मछली है? अच्छा, झींगा। अरे बाप रे बाप, यहाँ लोग को पसंद होगा ये। तो गाइस तकरीबन 3:30 हो गए और हम लोग तिमचिंग जगह पे पहुँचे हैं, जीरो पॉइंट भी बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे अभी लंच के लिए रुका हुआ है, तो आई डोंट नो, पता नहीं कब पहुँचेंगे, शाम हो जाएगी, और कितने व्यू पॉइंट बचे हुए मुझे वो भी नहीं पता है। तो अभी तो बीच में गाड़ी ख़राब हो गई जैसे आप लोगों ने देखा था, तो उसकी वजह से थोड़ी सी लेट हो गई है। तो चलिए थोड़ा सा लंच वंच कर ले रहे हैं यहाँ पे, चावल दाल कर दीजिए। तो गाइस खाने में हमने मंगाया है वेज, और ये आ गया हमारा दाल और चावल और सब्जी, और भाई अभी टेस्ट करके बताएंगे कैसा है। जगह पे तो ये भी मिल जाए, अभी बहुत है। तो भाई सभी तकरीबन 4 बज गया, और हम लोगों ने लंच वगैरह करके हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं, और इस पॉइंट के बाद बोलते हैं कि नॉर्थ सिक्किम यहाँ से एक्चुअली स्टार्ट हो जाता है। बेसिकली जस्ट रोड के बगल में है, यहाँ पे टैक्सी रुकती है थोड़ी देर के लिए, काफी ऊंचा फॉल है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी, यह है मानुल फॉल, बिल्कुल रस्ते में पड़ता है, ऐसे तो बहुत सारे फॉल यहाँ पे रस्ते में पड़ते हैं। शानदार फॉल है, और बहुत ठंड भी हो रही है यहाँ पे, टोपी भी डाल लेना अगर आते हो तो आप, तो यहाँ पे फोटोग्राफी के लिए आप रुक सकते हो। थोड़ा नीचे जाके देखता हूँ अभी क्या सीन है। अभी कितना बज रहा है? 5 बज रहा है। अरे 5 बज रहा है अभी? बताओ। पहाड़ों में ऐसे होता है ना, पता नहीं लगता। सो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं तुंग में, तुंग एक जगह का नाम है जहाँ पे परमिट वगैरह चेक होता है, और साथ ही साथ में यहाँ जितनी भी प्लास्टिक की बोतल्स आप कैरी कर रहे हो सारी की सारी यहाँ डंप करनी होती है, बिकॉज इससे आगे यूज एंड थ्रो वाली प्लास्टिक की बोतल अलाउड नहीं होती है। अगर आप कैरी करते हो तो आपको 5,000 तक का चार्ज फाइन पड़ सकता है। तो गाइस अभी बज गया है 7:15 और हम लोग पहुंच गए लाचुंग। जी हाँ, हम लाचुंग आ गए हैं, बिकॉज मैं आपको पहले बोला था कि लाचेन जा रहे हैं, बट प्लान चेंज हो गया था, मुझे भी पता नहीं था कि हम लाचुंग जा रहे हैं। भाई ने रस्ते में बताया कि हम पहले लाचुंग जाएंगे फिर लाचेन जाएंगे, तो अब प्लान ये है कि आज हम लाचुंग रुकेंगे और कल यमसम वैली जाएंगे, उसके लाचुंग स्टे करेंगे, फिर गुरुदुर्मा ले जाएंगे। तो फिलहाल अभी यहाँ तो पूरा अंधेरा हो गया, और अभी एक होटल हमें मिला है यहाँ पे,
तो होटल में चेक इन वगैरह कर लेते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पे बिकॉज रिमोट एरिया है तो यहाँ पे खाना वाना जल्दी खाना होता है, तो डिनर वनर कर लेंगे जल्दी टाइम से। तो जिस होटल में हम लोग रुके हुए हैं इसका नाम है ठंकरलाल रेजिडेंसी करके, तो चलिए देखते हैं अंदर कैसा है, रूम वूम की व्यवस्था कैसी है, थोड़ा पानी वानी भी देख लेते हैं गर्म पानी का क्या व्यवस्था है, उसके बाद फिर डिनर के लिए आते हैं। फिलहाल मैंने इंट्री वगैरह कर दी है, सारे लोग चले गए, मैं लास्ट जा रहा हूँ, आई होप अच्छा रूम मिल जाए मेरे को, सब ने सेलेक्ट तो कर लिया होगा, देखते हैं पता नहीं कैसा ही रूम मिलेगा, पूरा सस्पेंस बना हुआ है, ठंडी थोड़ी थोड़ी बढ़ गई है, यहीं से गया अंदर ऊपर। सो गाइस ये है रूम छोटा सा, नॉट बैड, और वॉशरूम भी है छोटा सा, प्लस गीजर भी है, अच्छी बात। चलो बढ़िया, फटाफट मैं सेटल डाउन हो जाऊँ, बैग वैग रख लेता हूँ, उसके बाद फिर डिनर का प्रोग्राम है, फिर थोड़ा सा देखते हैं क्या करना है कल का प्लान। सो गाइस अभी सीन ये है कि अभी हम आ गए हैं 5,500 फीट की ऊँचाई पर, तो वो यहाँ पर ठंडी तो ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, प्लस हाई एल्टीट्यूड भी है, इसलिए पानी पीते रहें और कोशिश करें कि सर्दी से बच के रहें, इसलिए मैं भी टोपी ओपी भी निकाल रहा हूँ, टोपी ओपी डाल लें। थैंक्स दावा, बस। और ये बना है दाल, पीला वाला दाल सब जगह ही मिलता है, वही है सेम। हाँ लगा दो, सब्जी भी लगा दो, गर्मा गर्म खाना फटाफट खा लेना चाहिए बिकॉज यहाँ ठंड बहुत ज्यादा है। अभी देखा था मैंने 5 डिग्री टेम्परेचर है। लो भैया चिकन आ गया, चिकन 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 इधर देखो, अरे कहाँ है, देख ही नहीं रहा, दिखाओ मेरा नाम है सुशील माझी, ठीक है। अरे माझी नाम बिहार से हो? बिहार से नहीं है, हम हिंदुस्तान। अरे जीत जीत लिया है इस बार ने यार, मजा आ गया, चिकन डाल दो बढ़िया, ठीक है। चिकन भी हिंदुस्तान है, हम फिर छपर फाड़ के आसमान चीर के निकलता है ये भाई। कल का 5 बजे हम लोग यहाँ से निकलेंगे कटाऊ के लिए, कटाऊ घूम के आके इधर हम लोग का ब्रेकफास्ट होगा, उसके बाद जिंटा 0 पॉइंट, फिर उसके लाचुंग रुकेंगे, उसके बाद हम लोग लंच होके इधर लंच करके हम लोग लाचुंग चला जाएंगे। अच्छा लंच तक यही है? लंच तक यहीं पे है, उसके बाद हम लोग लाचुंग चला जाएंगे, लाचुंग में जाके हम लोग स्टे करेंगे। ठीक हो, तो मिलते हैं सुबह 5:30 बजे। ओके सर, गुड नाइट। ओके गाइज गुड नाइट, कल सुबह मिलते हैं 4:30 बजे, 5:30 बजे। 4:30 बोल दे रहे, 5:30 बजे आएंगे सारे लोग। सो गाइस ये जो कटाऊ है ये एक अनएक्सप्लोर्ड जगह है, ये आपने बिल्कुल नाम नहीं सुना होगा, तो आपको एक नया चीज़ देखने को मिलने वाला है, बोलते हैं कटाऊ से सनराइज देखने को मिलता है बहुत अच्छा, तो कल हम वहाँ जाने वाले अर्ली मॉर्निंग, लेट्स सी कैसा होता है।